तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले कि जो डबल रिंग टोकन है वो वापस से आने वाले, तो वो आपको कैसे मिलेंगे। बट उससे पहले आपने मुझे अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो भाई लोग, उन बंदों के पहले मैं आंसर दे देता हूँ जिन्होंने पूछा था कि भाई जो ये अभी जो बंदे डबल रिंग टोकन यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे मिले। तो मैं बता दूँ कि अभी भी ऐसे बंदे हैं जिनके पास 600, 500 या फिर 250 ऐसे डबल रिंग टोकन अभी उनकी आईडी में अवेलेबल है। तो उनको मैं कैसे मिले, तो आज से 5 या 6 महीने पहले फ्री फायर के अंदर यही डबल रिंग टोकन आपको रिंग टोकन की एक्सचेंज के बदले फ्री में मिल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में जब नए नए आए थे तो फ्री फायर ने इनको अनलिमिटेड कर दिया था, मतलब आप रिंग टोकन के बदले डबल रिंग टोकन कितने भी ले सकते हो। तो बंदों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपनी आईडियों को 500-600 डबल रिंग टोकन से भर दिया। बट कुछ ही दिन के बाद फ्री फायर ने इनके ऊपर रोक लगाई और कुछ लिमिट लगा दी कि आप जो है सप्ताह के अंदर या फिर एक दिन के अंदर डबल रिंग टोकन 10 ही यूज़ कर सकते हो, मतलब 10 ही एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर भी बंदों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपनी जो आइडिया थी, ठीक है, उनको भर दिया डबल रिंग टोकन से। वापस से जब देखा फ्री फायर ने कि जो बंदे हैं, मतलब उस टाइम पर ग्रैंड मास्टर नहीं था, हीरो की थी, तो बंदे हर एक बंदा जो हीरो पे पहुंच जा रहा था और गेम का कुछ मज़ा नहीं था, तो फ्री फायर ने इस डबल रिंग टोकन का जो था मामला पूरा वहां पे स्टॉप कर दिया कि अब जो है किसी को डबल रिंग टोकन नहीं मिलेगा। तो वो जो बंदे थे जिनके पास जो डबल रिंग टोकन, उन्होंने 500-600 डबल रिंग टोकन अपनी आईडियो में भर लिए थे, उन बंदों ने अपनी आईडियो को जो है बचा के रखा, उन डबल रिंग टोकन को जो है बचा के रखा और अभी उनको यूज़ कर रहे हैं और यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जिनके पास 500-600 डबल रिंग टोकन वाली आईडी है वो जो है आईडी 25,000-20,000 ऐसे बिक रही है। वो खरीद कौन रहा है, खरीद वो रहे हैं यूट्यूबर लोग जो अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो सीजन स्टार्ट होता है रैंक का, तो कुछ बंदे जो विद इन 4 आवर के अंदर जो है ग्रैंड मास्टर पहुंच जाते हैं, तो सोचते हैं बंदे ये कैसे हुआ, तो वो जो है डबल रैंक टोकन का कमाल है। और वो बंदे जो यार रात भर अपने मोबाइल में बैठे रहते हैं, गेम खेलते हैं कि यार मैं जो हूँ ग्रैंड मास्टर पर जाऊँगा, फर्स्ट पर रहूँगा, उससे मेरा जो चैनल प्रमोट हो जाएगा, तो ऐसे में उनकी मेहनत जो है ऐसे फालतू में जाती है। बट उन बंदों की भी गलती नहीं है जो डबल रैंक टोकन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है फ्री फायर ने चलाए थे, हाँ फ्री फायर ने पहले चला लिए थे, बट इनके ऊपर अभी रोक लगा देनी चाहिए कि आप जो है एक सीजन के अंदर 5 या 6 ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात की बात है, बट अभी अपन बात करते हैं कि ये जो है आपको वापस से कैसे मिलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इस एक ऐप के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो भाई लोग, ऐप का जो नाम है शील्ड टोटल सिक्योरिटी, आज के इस ज़माने में इस ऐप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो कैसे, तो इसके अंदर बहुत ही सारे फीचर्स दे रखे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ऊपर दे रखा है स्पीड टेस्ट, जिसके थ्रू आप जो है आपके नेटवर्क की स्पीड टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें दे रखा है प्राइवेसी एडवाइज़र, जिसमें अगर आपके डिवाइस के अंदर कोई भी वायरस या कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके डिवाइस को हानि पहुँचाती है, तो वो यहाँ पर आप स्कैन करके उन जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर दे रखा है वो दे रखा है ऐप लॉकर, यानी कि अगर आपके अंदर कोई भी आपके मोबाइल के अंदर आपकी गैलरी के अंदर कोई भी आपकी ऐसी प्राइवेट फोटो है जिनको आपको लॉक करना है, तो उन जो है आपकी गैलरी है या फिर आपका कोई ऐसा गेम जो है आप ही खेलना चाहते हैं, तो उन जो है ऐप को जो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है वाईफाई सिक्योरिटी, बहुत ही एक कमाल का जो ये फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर अगर आप शहर से कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप किसी का पब्लिक वाईफाई लेते हो, तो यहाँ पे वाईफाई सिक्योरिटी के थ्रू जो ये ऐप है ये आपके जो डाटा है उसको चुराने से बचाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक और नोटिफिकेशन सेंटर, जिसके थ्रू अगर आप जो है गेम खेलते हो या फिर बीच पे कोई नोटिफिकेशन आती है जो बार बार आपको परेशान करती है, तो यहाँ से आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। बैटरी सेवर इसमें दे रखा है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी दे रखी है यहाँ पे दे रखी है नेटवर्क बूस्ट, यानी कि अगर आपका जो नेटवर्क है वो स्लो चलता है, पिंग हाई रहता है, तो इस नोटिफिकेशन बूस्ट के थ्रू यहाँ पे आप उस पिंग को कम कर सकते हो फिर जो है आपके नेटवर्क की स्पीड को बढ़ा सकते हो। बट इसके लिए आपको इसका गोल्ड वर्जन लेना पड़ेगा, और जब आप इसका गोल्ड वर्जन ले लोगे तो ये जो इस ऐप की जो ताकत है वो इससे 2 गुना हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें दे रखे हैं। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हो शील्ड टोटल सिक्योरिटी, तो आप वहाँ से आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास है सिंगापुर सर्वर की आईडी, तो सिंगापुर सर्वर के अंदर डबल रिंग टोकन वापस से आ गए, बट वो जो है कुछ लिमिट में आए। तो नीचे आप देख सकते हो गिफ्ट का जो ऑप्शन आता था वहाँ पे जो डबल रिंग टोकन आपको मिल जाएंगे। तो सामने जो है बहुत सारे चैरेक्टर दिख रहे हैं, और इन चैरेक्टर का कुछ मिशन रहेगा, जैसे कि आपको इन मिशन को कम्प्लीट करना रहेगा, और हर एक चैरेक्टर का मिशन अगर आप कम्प्लीट कर लोगे तो यहाँ से आपको अलग अलग रिवार्ड मिलेंगे। बट देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पर राफेल का अगर आप जो है मिशन कम्प्लीट करते हो तो आपको डबल रिंग टोकन का 2 जो है वो
आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सोच रहे होंगे कि ओनली दो ही मिलेगा तो ये कौन सी बात हुई, तो भाई लोग ओनली दो ही नहीं मिलेंगे, आप जो है स्टोर में जाके देख लीजिएगा, वहाँ से जाके आपको देखने को बहुत सारे रिंग टोकन मिल जाएंगे। बट उनके ऊपर जो है कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी कि उनकी कुछ लिमिट रहेगी कि आप जो है उनको लिमिट में ही यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन लिया है गरेना ने, ये बहुत ही गलत है जो वापस से डबल रिंग टोकन लाने का। तो भाई लोग ये जो डिसीजन है ये वापस से अगर आ गया तो हीरो की कोई औकात नहीं है। वैसे भी अभी देखा जाए तो पहले के मुकाबले अभी देखा जाए तो हीरो की वापस से कोई औकात नहीं है, कोई भी बंदा हीरो पे पहुंच जाता है। और अभी जो है वापस से ग्रैंड मास्टर के वापस ला दिया तो यार ग्रैंड मास्टर भी कोई बड़ी बात नहीं है, डबल रिंग टोकन के थ्रू बंदे जो 24 आवर के अंदर ग्रैंड मास्टर में पहुंच जाते हैं। तो ये जो डिसीजन लिया है गरेना ने ये बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से, डबल रिंग टोकन का बिल्कुल भी नहीं लाना था। और वापस से लाए तो ये जो वापस से लाने के बाद जो बंदों का जो रिएक्शन आएगा वो देखने वाला जो कुछ अलग ही होगा। ठीक है भाई लोग, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।